सब्सक्राइब कीजिए एस अनबॉक्सर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अनबॉक्सिंग रिव्यूज एक्सपेरिमेंट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एस अनबॉक्सर। तो दोस्तों आपके लिए आज हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही बड़ी अनबॉक्सिंग जो कि है बोया बाय M1 माइक की अनबॉक्सिंग, और रिव्यू भी करेंगे इसका और देखेंगे कि मोबाइल से इसका माइक्रोफोन कितना अच्छा होता है या फिर इसकी साउंड क्वालिटी आपको कितनी अच्छी मिलेगी। तो बॉक्स की तरफ देख लेते हैं, बॉक्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फ्रंट में आपको इसके कुछ माइक की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी और इस बैक में देखेंगे तो आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर इन सबको रीड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिकेशंस पता भी नहीं चलेंगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। और हाँ, ये माइक जो है आपका मोबाइल फ़ोन टैबलेट लैपटॉप कैमरा सब पर बहुत ही आसानी से यूज़ होता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। आप अंदर देखेंगे तो आपको एक पाउच दिखाई देगा और उसके साथ कुछ पेपर्स दिखाई देंगे। तो चलिए इन सबको देख लेते हैं एक बार। तो अंदर इस बॉक्स के अंदर कुछ मैनुअल्स दिखाई दे रही हैं मुझको, अलग अलग तरीके के पेपर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वारंटी कार्ड है इसका, और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वारंटी कार्ड फिल करवाने की, पर आप इसको अगर ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको ज़रूर फिल करवाना होगा, इसके बिना आपको इसकी वारंटी नहीं मिलेगी। ये इसकी मैनुअल है, मतलब बहुत सारी किताबी ज्ञान दे रखा है हमको इसके साथ, और आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं या फिर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो हमारी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे, आप इसको नहीं पढ़ें तो ही अच्छा होगा। तो माइक की तरफ आते हैं, माइक एक बहुत बढ़िया पाउच में है। अरे हमको क्या मिला, ये तो बोया के स्टिकर्स हैं। आज तक हमने एप्पल के स्टिकर्स सुने थे, पहली बार हम बोया के भी स्टिकर देख रहे हैं। अगर आपको कहीं लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। तो इस पाउच में हमको मिलता है जिस पर बोया की ब्रांडिंग करी गई है। पाउच की क्वालिटी एवरेज है, कोई ज़्यादा खास नहीं, कोई ज़्यादा बेकार नहीं है, और ये कैरिंग पाउच है। अगर आप इसको कभी कहीं ले जाना हो तो आप इसको इसमें बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, इसकी वायर्स वगैरह डैमेज नहीं होंगी। तो चलिए माइक को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं। तो माइक के साथ हमको काफ़ी और अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, इनके बारे में भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या बढ़िया है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है पाउच में, एक माइक मिलता है और उसके साथ कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले छोटा सा मतलब आपको मिल जाएगा कि हाँ ये माइक टेस्टेड है, अच्छी तरह टेस्टेड है और कोई डिफेक्ट पीस नहीं है ये। तो वो तो हम आगे उसको निकाल ही बताएंगे। और ये सिलिका जेल है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब के लिए रखा जाता है। आगे देखते हैं तो इसके साथ हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि विंड कप मिलता है, जिससे कि मतलब जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके वीडियो में कोई भी दिक्कत ना आए और विंड जो है वो फिल्टर हो जाए। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले हम बताते हैं एक सेल मिलता है, और इसके अंदर आपको एक क्लिप मिलती है जो कि आप कॉलर में जब लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये तो एक नेसेसरी है, अगर ये नहीं होगी तो आप माइक को मतलब हाथ में लेकर तो आप वीडियो नहीं बनाएंगे ना, तो आपको क्लिप चाहिए तो साथ में आती है इसकी सबसे बढ़िया चीज़। इसके साथ हमको सेल भी मिलता है, और ये वो जो होते हैं जो बड़े माइक होते हैं एम्पलीफायर वगैरह उनमें भी कनेक्ट हो जाता है। सबसे बढ़िया बात लगी मुझे इस माइक की, बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती कनेक्ट करने में। फिलहाल हमारे पास एम्पलीफायर नहीं है तो हम उसको तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए माइक को थोड़ा सा और देख लेते हैं, और माइक की वायर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली वीडियो बनाने में। और बोया की वायर अच्छी होती है, सामने से माइक देख सकते हैं। अभी हमने इसके ऊपर ये फ़िल्टर नहीं लगा रखा है एयर का, हम एयर का फ़िल्टर लगा देते हैं इसके ऊपर जिससे कि हमारी क्वालिटी और भी अच्छी हो जाए और वॉइस में कोई दिक्कत ना आए, आप लोगों को भी मज़ा आए वॉइस सुनने में। तो आप लोगों के लिए तो करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना है, और जिसने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी आई बटन में उसको लिंक मिल जाएगा, उनको ज़रूर जाकर चेकआउट करें। तो मैंने इसमें क्लिप भी लगा ली है और इसमें सेल भी डाल देते हैं। वो
सो गाइज, इसके सामने आपको दो स्विच मिल जाएंगे जो कि हैं कैमरा और ऑफ। तो जब आप इसको मोबाइल के साथ यूज़ करते हैं तो आपको इसको ऑफ पर रखना होगा, और जब आप इसको कैमरा के साथ यूज़ करते हैं लैपटॉप के साथ तो आपको इसको कैमरा पर स्विच करना होगा फॉर बेटर क्वालिटी। अब हम इसके कुछ टेस्ट कर लेते हैं माइक्रोफोन के। सो गाइज, अब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये हमारे मोबाइल के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करी जा रही है। इसके बाद आप जो सुनेंगे वो हमारे बोयाबाय M1 माइक से रिकॉर्ड की जाएगी, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। सो गाइज, अब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं बोयाबाय M1 माइक से रिकॉर्ड की जा रही है, और इस वीडियो में मैं किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, तो आपको इससे सुनकर डिफरेंस पता लग जाएगा कि एक नॉर्मल माइक्रोफोन में और एक बोया के माइक्रोफोन में क्या अंतर होता है।